दोस्तों, राणाघाट के रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर अपना पेट पालने वाली रानू मंडल ने बॉलीवुड में भी अपनी जबरदस्त पहचान बना ली है। राणाघाट रेलवे स्टेशन पर रहते हुए रानू मंडल ने लता मंगेशकर का एक प्यार का नगमा है गाना गाकर प्रसिद्धि हासिल की। हाल ही में उनकी इस प्रसिद्धि पर खुद लता मंगेशकर ने भी अपनी राय पेश की थी। हालांकि वह उनकी इस सफलता पर खुश हुई थी, लेकिन लता मंगेशकर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि नकल कभी भी सफलता का टिकाऊ साधन नहीं है। वैसे तो उन्होंने यह बात रानू मंडल के अलावा बाकी सिंगर्स के लिए भी कही थी, लेकिन लता मंगेशकर के इस बयान ने सोशल मीडिया पर काफी लोगों को निराश किया है। लता मंगेशकर के इस बयान का विरोध करते हुए लोगों ने ट्वीट किया है। इनमें से एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, मैं लता मंगेशकर जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन उनकी इस प्रतिक्रिया ने यह जाहिर कर दिया कि बड़े लोग छोटे लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। वहीं दूसरे यूजर ने लता मंगेशकर के बयान पर नाराजगी जताते हुए लिखा, एक गरीब महिला अपना जीवन बिताने के लिए रेलवे स्टेशन पर गाना गाती है, रानू मंडल की आवाज ने सबका ध्यान खींचा और वह सुपरस्टार बन गई। लता जी थोड़ी और दयालु हो सकती थी, उनकी सराहना उनकी मदद कर सकती थी। नकल पर उनका यह व्याख्यान टालने योग्य है। इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लता मंगेशकर के बयान पर कहा, उस गरीब महिला के लिए कोई सराहना नहीं है जो अपना पेट पालने के लिए गाना गाती थी। लता जी से इस उम्र में ऐसी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, लता मंगेशकर की इस तरह की प्रतिक्रिया के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।